पार्टी ऑलरेडी मजबूत है, गांव लेवल पे पहुंच चुका है संगठन, बूथ लेवल पे पहुंच चुका है, और भी हमें पार्टी को मजबूत करना है। एक साल में आपने हुआ पार्टी को, अब बिहार में मजबूती से आपने देखा कि एक साल में ही हमने अपनी दमखम दिखा के महागठबंधन के साथ रहकर 3 लोकसभा क्षेत्र में हम चुनाव भी लड़े। अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव भी हम लड़े, वहाँ पे 25,000 वोट हमें हमारी पार्टी को प्राप्त हुआ, तकरीबन 15% से अधिक वोट है, और ये हमारी पार्टी के लिए शुभ संकेत है और मजबूती से हम लोग 2020 के लिए तैयारी करेंगे। 40+ विधायक बनाने का आज हमारे सभी साथी ने यहाँ पे टारगेट रखा है कि आने वाले समय में 2020 में 40+ का हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे पार्टी के 40+ विधायक आने वाले समय में विधानसभा में जाए, इसका लक्ष्य लेकर आने वाले समय में काम करेंगे। फरवरी के बाद पूरे बिहार में खुद मेरा दौरा होगा और हर विधानसभा लेवल पे हमारी दौरा जारी रहेगा। महागठबंधन में एकजुटता की बात कर ली जाए तो उपचुनाव में आप लोग राहें अलग कर ली थी 2020 में विधानसभा का चुनाव, अगर स्थितियां ऐसी रही तो कैसे एनडीए से मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, 2019 में जो उपचुनाव हुआ उसका एजेंडा अलग था और 2-4 सीट पे था, सब लोगों को अपनी ताकत दिखाना था, लेकिन आने वाले समय में 2020 का जो चुनाव होगा सब लोग एक साथ रहेंगे और इसका असर आपको 10 दिन के अंदर में ही दिख जाएगा। हम लोग महागठबंधन कितना मजबूत है, कितने अटूट है, 10 दिन के अंदर में हमारे पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन होगा, डेट 1-2 दिन के अंदर में निर्धारित हो जाएगा, आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा और हम लोग पूरे बिहार में मजबूती से एक साथ होकर महागठबंधन लड़ेंगे। और गठबंधन सीट की बात कर रहे हैं तो 40 सीट विधानसभा का जब 40+ का लक्ष्य रखे कि हमारे हमारे पार्टी का अपना लक्ष्य है कि 40+ हम विधायक बनाएं। अब आने वाले समय में देखिएगा ना कितना सीट है, 243 सीट है बिहार में, 40 से हम रखे हैं 243 सीट है, वो हम किसी से मांगने का क्या आवश्यकता है, हमारे पास 243 सीट है, हम 243 जगह स्वयं चुनाव लड़ा सकते हैं, लड़ सकते हैं और वहाँ से 40 से ज़्यादा सीट जीत सकते हैं, हम किसी से मांगने के लिए थोड़े जाने वाले हैं। ग्राहक की गठबंधन के तहत कुछ सीट पे हम छोड़ना रहता है, कुछ सीट पे हमें लड़ाई लड़ना रहता है, किसी सीट पे हमें चुनाव लड़वाना रहता है, तो वो तहत आएगा सामने में, लेकिन हमारे 40+ का हमारा टारगेट है। एक चीज़ और है, एनडीए सीट देने को तैयार है, नज़दीकियाँ बढ़ रही है, अभी ये सब आप लोगों तक खबर है, हमारे तक ये सब खबर नहीं है और हम अपनी काम कर रहे हैं, महागठबंधन में है और आने वाले समय में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है।